祭りであろうが見祭らくを開けく安らけく彦示して今に行く先大神の一の御霊先生えたまいて。हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि मैं जापान के कोई छोटे गांव में जाऊँ, आपको गांव बताओ कि जापान में छोटे छोटे टाउन कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, वहां का वाइब कैसा होता है। दोस्तों, आज हम आए हैं जापान के एक छोटे से गाँव में और आपको मैं यहाँ का छोटे से गाँव का पूरा टूर कराने वाला हूँ। आपने मेरे काफ़ी व्लॉग्स में टोक्यो देखा होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन एंड ऑल। बट अभी हम जिस गांव में आए हैं ना, यहाँ पे ना ही कोई सुपरमार्केट है, ना ही कोई बड़ा स्टेशन है, कुछ नहीं है, बस छोटा सा गांव ट्रेडिशनल स्टाइल। तो चलिए आपको मैं घुमाता हूँ जापनीज का छोटा सा गांव। अब मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर कैसे घर बने हुए जापान में गांव के अंदर ट्रेडिशनल स्टाइल। यूजुअली आप अगर कंपेयर करोगे ना कि टोक्यो में जो घर है और जो जापान के गाँव में घर है, कितना डिफरेंस है। बाहर देख लो उनका, किस तरीके से उन्होंने डेकोरेट करके रखा है, इस तरीके से बाहर कपड़े सुखाते हैं, इस तरीके से उनकी पार्किंग होती है, और घर के बाहर ना इस तरीके से छोटा सा गार्डन बना के रखते हैं, और घर के छत देख लो, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल घर है इनके। अभी मैं आपको इस पूरे गांव के अंदर पूरा सफ़र करवाता हूँ, आपको पूरा गांव ये डिटेल में बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे दिखता है। तो अभी हम जिस पॉन्ड के पास खड़े हैं ना, ये आप देख रहे हो पॉन्ड, ये बहुत ही फेमस है, ये वर्ल्ड हेरिटेज पॉन्ड है, और आप देख रहे हो माउंट फुजी सामने ही है, और उसका जो रिफ्लेक्शन है मिरर, वो इसके अंदर गिरता है। तो अभी हम थोड़ा नीचे झुकते हैं और आप देखोगे यहाँ पर उसका मिरर रिफ्लेक्शन आ रहा है। और इस पॉन्ड का जो नाम है ना, वो है यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश में भी, खागा मीके पॉन्ड, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पर सारे लोग आते हैं इस माउंट फुजी का फ़ोटो लेने के लिए इस पॉन्ड के अंदर। इसके अंदर कितने बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये गांव फेमस है माउंट फुजी के लिए, क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिलता है ना माउंट फुजी का, आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर एक दूसरा भी पॉन्ड है जहाँ पर उसका मिरर रिफ्लेक्शन आता है, ये देखने के लिए भी यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, और ऐसे बैठ के यहाँ पे माउंट फुजी के सामने फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है इस छोटे से गाँव का। ये गाँव फेमस हुआ है इस माउंट फुजी के वजह से। यहाँ पे आंटी टूर वाली गाइड है शायद ही, ठंडा लेके अपने जो टूर गाइड वाले लोग हैं उनको बुला रही है। ये गांव में आके ना वाइब अलग आ रही है मुझे। आगे देख लो कितना बढ़िया, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, पवन चक्की नहीं, वाटर व्हील समथिंग। यहाँ पे दिया हुआ है प्लीज़ डू नॉट थ्रो कॉइंस टू द पॉन्ड। लोग फेंकते ना पैसे यहाँ पे, स्टिल फेंके हुए पैसे, देखो बहुत सारे कॉइन्स अंदर इस तालाब के अंदर फेंके हुए हैं। लोग विश मांगते हैं और इस पॉन्ड के अंदर पैसे फेंकते हैं। यहाँ पर देखो ना कितने प्यारे प्यारे शॉप्स लगे हुए हैं, एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल के। यहाँ पर क्या बेच रहे हैं, ये कुछ तो बेच रहे हैं। गाँव के अंदर स्टॉल लगे हुए खाने के लिए, क्योंकि फॉरेनर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं ना यहाँ पर घूमने के लिए। ये मोची है शायद, जो गांव के लोग हैं यहाँ के, वो अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल के रखी है इन्होंने यहाँ पर। तो आपको इस गांव में घूमते घूमते अगर भूख लग रही है तो आप यहाँ से कुछ लेके खा भी सकते हो। यहाँ के लोकल लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें यहाँ पे खोल के रखी है। ये शायद कोई फ्रूट की दुकान है। अंगूर, भाई साहब कितने बड़े अंगूर है ये, और ये 3500 के इतने अंगूर है, कुछ ज़्यादा है महंगे। और ये स्ट्रॉबेरी 1500, ये इनकी स्ट्रॉबेरी है इनके खुद के खेतों की। ये दोस्तों मोची दादी माँ मोची बेच रही है, लोकल लोग हैं यहाँ के। ये क्या है, ओह ये ट्रेडिशनल स्टाइल पॉट मूर्तियाँ बेच रहे हैं यहाँ पे, वाह कितने बढ़िया ये। मुझे लगता है बड़े महंगे होंगे यहाँ पर, ये दादाजी की दुकान है, इतने कुछ ज़्यादा महंगे नहीं, 1500 इनके से। ये क्या चीज़, ये गोटी लग रही है मुझे, कंचे नहीं, कंचे नहीं है ये, कुछ तो है, कितने का ये, 200 इनके। दादी माँ कुछ तो बेच रही है मैंगो का, इन्होंने कुछ दिया है मैंगो का टेस्ट करने के लिए, खा के देखते क्या चीज़ है। ये एक्चुअली ड्राई मैंगो है, घर पे जो आम होते हैं वो कट करके ड्राई करके
बड़े सही लग रहे हैं। इस गांव में आपको कोई भी बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं मिलेगा, कोई मॉल नहीं मिलेगा, कोई सुपरमार्केट भी नहीं मिलेगा। आपको अगर कुछ ख़रीदना है यहाँ पे तो ज़्यादातर यहाँ पे मैंने जीदो हम्बाई की जो वेंडिंग मशीन होती है वो यहाँ पर देखी है। और अभी सामने मुझे दिखी है यहाँ पे वेंडिंग मशीन। किसकी वेंडिंग मशीन है ये? ड्रिंक्स की है। और ताबाको, ताबाको यहाँ पे देखो, अगर आप जापनीज पढ़ पा रहे हो तो ताबाको यानी जो हमारे सिगरेट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे आप सिगरेट्स भी खरीद सकते हो। मैंने आपको शायद पिछले कुछ व्लॉग में बताया था कि आप ड्रिंक्स के साथ में आप ताबाको का भी यहाँ पे वेंडिंग मशीन होता है। और आपके पास उसके लिए ताशपो कार्ड होना ज़रूरी है, आपका एज 18 के ऊपर है, वो यहाँ पे टच करके आप कन्फर्म कर सकते हो। और यहाँ पे आप कोई भी सिगरेट वगैरह बाय कर सकते हो। यहाँ है दोस्तों ये जापान के ट्रेडिशनल घर, और कितने प्यारे लग रहे हैं। अंदर तो हम जा नहीं पाएंगे इनके, बट टोक्यो में तो आपको इस तरीके के घर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। वाओ। और अंदर ये पूरा ताता में मैट का है। और ये इनके घर के बाहर ही देखो छोटा सा मंदिर, कोई भगवान की मूर्ति है, इन्होंने ये मूर्ति लगा के रखी है यहाँ पे, पता नहीं कौन से भगवान। और ये आई थिंक चार बिल्डिंग्स है, चार घर है लोगों के। और यहाँ पे इनके खेती है, सामने लैंड खाली है और यहाँ पर वो खेती के लिए वो स्पेस छोड़ा हुआ है, आगे भी ये खेती के लिए पूरी जगह है। तो गांव में ऐसे होता है, जगह ज़्यादा होती है तो वो खेती करते हैं। टोक्यो में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, टोक्यो में तो जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे आपको छोटे मोटे घर मिल जाएंगे, बट ये है इनका लैंड एरिया पूरा जहाँ पे पूरी खेती वगैरह, और ऊपर ये साइड में पूरे उनके घर है। यहाँ पे दोस्तों होममेड चिप्स है, अलग अलग सब्जियों के। ये है भिंडी के चिप्स, हमारे यूजुअली आलू के चिप्स होते हैं या बनाना के चिप्स होते हैं। ये बीन वाले चिप्स हैं, ये कौन से? ओ भाई साहब करेले के चिप्स हैं यहाँ पे। और ये लाल वाले कौन से हैं? लाल वाले आई थिंक गाजर के चिप्स। भाई साहब दादी माँ तो बड़ी स्किलफुल है। ये दोस्तों लहसुन के चिप्स, ओ माई गॉड। हमने उस दादी माँ के दुकान से लिए है ये लहसुन वाले चिप्स और ये भिंडी वाले चिप्स। तो अभी हम घर पे जाके ना ये चिप्स को ट्राई करेंगे कि कैसे लगता है। मैं मम्मी को भी बताने वाला हूँ ये कि ऐसे भी चिप्स बना सकते हो। यूजुअली मम्मी घर पे आलू के चिप्स और इस कौन से अपने बनाना के चिप्स बनाती है हमेशा, बट ये वाले दुकान में टमाटर के और अलग अलग वेजिटेबल्स के, तो एक अच्छा आइडिया मिल गया मुझे। जब भी आप घर पर जाऊँगा तो मम्मी को बोलूँगा कि सारे वेजिटेबल्स के चिप्स बनाना। आप भी आपके मम्मी को घर पर बता सकते हो कि लहसुन के भी चिप्स, भिंडी के चिप्स भी बनते हैं। ओ भाई साहब ये देखो दोस्तों, फ्रेश अंगूर स्ट्रॉबेरीज यहाँ पर बेच रहे हैं, सारे के प्राइस 3-4 हज़ार के। कितने बड़े अंगूर है ये, ऐसे अंगूर दोस्तों मैं पहली बार देख रहा हूँ। एप्पल देख लो, एप्पल के साइज भाई साहब कितने बड़े एप्पल है ये, 1200 के यानी 600 ये इनका एक एप्पल। ओ माय गॉड कितने महंगे। यहाँ पर अंदर है ओमी आगे का शॉप, अगर आपको कुछ यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह खरीदना है तो यहाँ से आप इस गांव के अंदर, यही छोटा सा ये गिफ्ट शॉप है, काफ़ी बड़ा है वैसे देखा जाए तो इस गांव के हिसाब से। और यहाँ पे अलग अलग टाइप की आइसक्रीम है, माचा आइसक्रीम भी है यहाँ पे, ग्रीन टी वो भी आप खा सकते हो। अंदर भी काफ़ी सारा ओमी आगे का शॉप है, ये ग्रीन टी भी है यहाँ पे, मेड इन जापान। जापान में दोस्तों किटकैट माचा फ्लेवर की मिलती है, इंडिया में तो नहीं मिलेगी, इंडिया में बेसिक वाली मिलती है ये वाली, और जापान में आपको ग्रीन टी वाली भी किटकैट मिलती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इंडिया आऊँगा तो आपके लिए ये माचा वाली किटकैट भी लाऊँगा। कितना प्यारा किचन है डॉल का, जैपनीज गुड़िया कितना प्यारी लग रही है। कितने का ये? 550 ये। देखो यहाँ पर ये क्या है, मुझे आप कमेंट करके बताओ। ये सारे डॉल है बट इसके अंदर कुछ तो भी ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको देख के शॉक कर देंगे, आप गेस करके मुझे कमेंट करके बताओ। ये है पीने का पानी, लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं, ये देखो देख के तो लगेगा नहीं ये पीने का है बट आप यहाँ से भर सकते हो पानी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था ये, बड़े लोग भर रहे थे तब मुझे पता चला कि यहाँ से आप पानी भर के भी पी सकते हो। तो यहाँ पर ना इस तरीके से ये बॉटल रखी हुई है खाली 200 येन की, ये पानी की बोतल आप ख़रीद के यहाँ से भर सकते हो। अगर आपके पास खुद की बोतल है तो आप खुद की बोतल से भरो, या फिर आप बोतल ख़रीद के यहाँ से पानी की भर सकते हो। मेरी जो बोतल है वो अभी गाड़ी के अंदर है तो मेरे पास अभी कुछ है नहीं ये पानी भरने के लिए। ये इन्होंने पतीला दिया है यहाँ पे, तो इसको हम मुँह लगा के पी सकते हैं। वैसे फ्रेश पानी है, धोना है तो फिर से इस तरीके से धो के इसको वापस रख दो। यहाँ भी दोस्तों आप पानी भर सकते हो, ड्रैगन के मुंह से पानी आ रहा है और यहाँ पे रखा हुआ है पानी भरने के लिए, आप इस तरीके से इसमें पानी पी सकते हो या भर भी सकते हो।
तो अभी वॉक करते करते यहाँ पे शाम हो गई, ऑलमोस्ट सनसेट यहाँ पे 5 बजे ही होता है जापान में। और ये अभी मैं पूरा टाउन को अभी चक्कर लगाया पूरा, और यहाँ पर मुझे पूरे जितने भी घर है सार जापनीज स्टाइल ट्रेडिशनल, इसके जो रूफ होते हैं इस तरीके से सारे ऐसे ही दिखे मुझे, सबके घर के सामने खेती है। और ये पूरे टाउन में दोस्तों मुझे कहीं भी कोई सुपर मार्केट वगैरह कुछ दिखा नहीं है। और मैंने जितने भी यहाँ पे घर देखे ना लोगों के, वहाँ पर लोगों के पास में अपनी पर्सनल गाड़ियाँ है। फिलहाल लेट क्या लग रहा है पता नहीं, जो भी सुपर मार्केट है ऐसे थोड़ा दूर है इस गाँव के, तो वो अपने गाड़ियों से जाके ही जो भी सामान वगैरह लाना होता है वो लाते हैं। और ये कुछ यूनिक स्टाइल के झाड़ लग रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन सा है, बट ये पूरे गाँव के अंदर मुझे इसी टाइप के झाड़ दिख रहे हैं। ये भी घर देख लो दोस्तों, पता नहीं किसका है बट कितना प्यारा घर है। घर का मेन दरवाजा देख लो आप, है ना, ये तो मुझे एकदम रॉयल घर लग रहा है किसी का, कितना बड़ा है ये। और ये कुत्ते के लिए, जिसका भी कुत्ता होगा उसके लिए भी छोटा सा घर बना के रखा है इन्होंने। वाह, यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए कोई रईस ही होगा। और यहाँ पे जितने भी घर हैं ना दोस्तों एकदम यूनिक, मैंने टोक्यो में तो आज तक ऐसे घर देखे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देखे। इसी गांव के बीच में मंदिर, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं छोटे छोटे गाँव में मंदिर होते हैं, वैसे मुझे यहाँ पे एक मंदिर दिखा है। ये देखिए, अभी वॉक कर रहा था मैं और यहाँ पर मुझे ये श्राइन दिखा है, ये तोरी बोलती है इसको रेड कलर का। और अभी अंदर शायद पूजा चल रही है, अंदर जाके देखते हैं। अंदर कोई साधु महाराज है, वो पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अंदर पूजा चल रही है, पता नहीं क्या पूजा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बट इसी श्राइन के आसपास यहाँ पर आप देख रहे हो छोटे छोटे और भी मंदिर है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है ये वाला, यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पर एक मंदिर है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि आपका फॉर्चून भी निकाल सकते हो, हर जापनीज श्राइन के अंदर फॉर्चून होता है, तो आपका फॉर्चून है वो यहाँ से ले सकते हो। और अगर गुड लक आया तो घर पर ले जाओ, अगर बैड लक आया तो आप यहाँ पे उसको टाई करके। तो चलिए निकलते अभी इस श्राइन के बाहर। अभी हम आए हैं जापनीज स्टाइल होटल में, जहाँ पर अभी हम चेक इन करने वाले हैं, रात में हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। होटल ऐसा है ना कि यहाँ पर आपके जो जूते हैं, जैसे हमारे जापनीज स्टाइल घर में होता है, हमारे जो जूते हम अंदर नहीं ले जा सकते, ऐसी चप्पलें होती है उनकी, तो निकालते हमारे जूते और यहाँ पे स्टैंड में लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे रख देते हमारे जूते और इसके अंदर ही ये चप्पल है इनकी सेट, ये पहन लेते हैं। अभी चेक इन करना है। वाव, अंदर ही कितनी अच्छी क्लॉक लगी हुई है और ये जापनीज स्टाइल पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई है। और इसी होटल में देखो जी, तो हम भाई की वेंडिंग मशीन भी, अगर रात बिरात आपको कुछ प्यास वगैरह लग रही है तो आप ले सकते हो। चेक इन चेक आउट। हाय, ये तो अंकित तो पुरोहित तो अकुरे जाना है कोरे जिसने कोरे जिसने। हाय, अच्छा शुक्र ठीक है। तो ये दादी माँ हमारा भी चेक इन करने वाली है। रिसेप्शन कितना छोटा सा है इनका, कितना प्यारा सा है। ये है दोस्तों हमारा जापनीज स्टाइल रूम, ये पूरा तातामी रूम है। इसके अंदर छोटा सा रूम है, हीटर भी इन्होंने दिया है, टीवी भी इन्होंने दी है। यहाँ पर है ड्रावर और इसके अंदर आई थिंक फुटोन होंगे। हाँ, ये इन्होंने गद्दे शद्दे दिए, जापान में इसको फुटोन बोलते हैं। और ब्लैंकेट वगैरह भी इन्होंने दिए इसके अंदर, जो कि हम रात में इसको यूज़ करने वाले हैं। दोस्तों आपको याद होगा मेरे जो पुराना घर जो था मेरा योकोहामा में, वहाँ पर एक रूम था मेरा तातामी, वो भी ऐसे ही था, इतना ही बड़ा था, ऐसे ही था वो, और ऐसे ही तातामी मैट उसके अंदर रखे हुए थे और ऐसे ही छोटा सा ड्रावर था। तो ये इन्होंने दिया किमोनो,
आपने देखा होगा कि जापान में लोग किमोनो ज़्यादा पहनते हैं, बट ये किमोनो वैसा वाला किमोनो नहीं है बाहर पहनने का, ये शावर लेने के बाद में और ओनसेन लेने के बाद में जो पहनते हैं नाइट वाला, वो वाला किमोनो है। तो अभी हम शावर लेंगे ना, और ओनसेन भी यहाँ पे दोस्तों हॉट स्प्रिंग बाद, तो वो लेने के बाद में हम ये वाला किमोनो पहनेंगे। बाहर इतनी ठंडी दोस्तों, और इन्होंने रूम के अंदर ये हीटर दिया है, इसके पास बैठ के इतना सही लग रहा है। रात में तो मैं यहीं गद्दी डाल के इस हीटर के पास ही सोऊंगा। अभी तो माउंटेन फूजी पे ना पूरा स्नो जमा पड़ा है। अभी हम सुबह वहाँ से जा रहे थे, आपने देखा था कि पूरे माउंट फूजी पे स्नो ही स्नो है। तो आप सोच पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी टेम्परेचर कितना लो होगा। और ऊपर से दोस्तों अभी बारिश भी आ रही थी बाहर, आपने देखा था, तो बहुत ठंड है यहाँ पर अभी। अभी हम जा रहे हैं हॉट स्प्रिंग लेने। आपको पता ही होगा कि जापान में ओनसेन काफ़ी फेमस है, हॉट स्प्रिंग, और आप कोई भी ट्रेडिशनल होटल में चले जाओ आपको ओनसेन मिलेगा ही। तो अभी हम जा रहे हैं ओनसेन में, और ये जो रेड कलर का पर्दा देख रहे हो ये लेडीज़ का है, वुमन, और इसी के सामने ये है मेन का। तो चलिए जाते हैं अंदर, पूरा खाली है ये, कोई है नहीं अभी। यहाँ पर रख देते हैं, ये बास्केट है, इसमें हमारे हम कपड़े वगैरह रख सकते हैं, और हमने साथ में ये युकाता किमोनो भी लाया है, तो नहाने के बाद हम इसको पहनेंगे। तो चलिए जाते हैं अंदर, कोई नहीं है तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो को। तो ये काफ़ी छोटा है, यूजुअली बड़े होटल में जाओगे आप तो काफ़ी बड़ा रहेगा, तो छोटा उनसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ये गर्म पानी का। सबसे पहले आपको यहाँ पे शावर लेना होता है, और शावर लेने के बाद में फिर आप इस हॉट टब में जाके बैठ सकते हैं। शावर लेके अभी आ गए हम इस हॉट टब के अंदर। इसके अंदर आके इतना सही लग रहा है ना, क्योंकि बाहर इतनी ठंड है और ये गर्म पानी, आई थिंक ये 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर का पानी है, उसमें बैठ के बहुत ही रिलीफ मिल रहा है। तो जापान में यही चीज़ आपको बहुत सही लगने वाली है ओनसेन। तो जब भी आप विंटर में जापान में आओगे ना, ओनसेन लेना आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। ऐसे जो बाथटब होते हैं वो जापानीज के हर घर में होते हैं, रात में वो आदत होती है हॉट टब में बैठने की आदत से एक घंटा, तो यूजली जापानीज लोग रात में ही नहाते हैं, उससे वो वैसे अपने काम पे निकल जाते हैं। तो मेरे भी घर पे हॉट टब है इस तरीके का, और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था मेरे कुछ वीडियो में कि मैंने कुछ जापानीज टाइप पाउडर लाए है, और मैं रात में सोने से पहले हॉट टब लेता हूँ वो जापानीज पाउडर टालने के बाद में। तो माउंट फूजी दोस्तों वो मेरे होटल के जस्ट सामने ही है, अगर रात में तो उसका कुछ व्यू आने वाला है नहीं, बट हाँ सुबह उठते ही हम विंडो से सबसे पहले देखने वाले हैं माउंट फूजी। तो अगर आप जापान में आ रहे हो तो आप माउंट फूजी क्लाइम तो मत करिएगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है एक टाइम, एक दिन में तो पॉसिबल बट आप कर ही नहीं पाओगे। बट आप एटलीस्ट उसके बेसमेंट में आके, उसके आसपास के इलाके में आके आप दूर से ही माउंट फूजी के नीचे से ही माउंट फूजी को देख सकते हो। तो दोस्तों हो गया हमारा हॉट स्प्रिंग लेके, और जैसे ही मेरा खत्म हुआ ना, तीन जापानीज लोग अभी अंदर आए हैं, बहुत सही लग रहा है अभी हॉट स्प्रिंग लेने के बाद में। और अभी हमने पहना है ये किमोनो, ये जापान में बड़ा ही फेमस होता है, आप जब हॉट स्प्रिंग ले लो उसके बाद में ये ट्रेडिशन होता है कि ये पहन के ही आप बाथरूम के बाहर निकलते हैं, और ये ही पहन के यूजुअली सोते हैं। तो ये है दोस्तों पेन, इसको आप ऐसे इसका सर दबाओगे तो ये पेन नीचे से आ जाएगा, तो आप इससे लिख सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि कौन इसको ख़रीदेगा, क्योंकि इससे इसको पकड़ के लिखना बड़ा ही मुश्किल है, बट हाँ शो बोल के आप ले सकते हो। इसको बंद कर देते इसको वापस। और ये पेन है दोस्तों 700 येन का।